अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे बेटा? ठीक हो आंटी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शरीफा है। शरीफा मैडम, मैडम आप कब से काम कर रहे हैं ये? मेरे को तकरीबन मुझे काम करते हुए है ना, मेरे हस्बैंड के साथ मैंने काम शुरू किया था, पहले एक साल हो गया, मैं डेढ़ साल हो गया मुझे काम करते हुए शुरू करते हुए। मैं और मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही है, मैं अकेली नहीं हूँ, पीछे मेरे बैग पे, पीछे बैग पे मेरे हस्बैंड है, ठीक है ना। सारा काम वही करते हैं और मुझे काफ़ी मुश्किल हुई है, मैं काफ़ी घूम फिर के यहाँ खड़ी हुई हूँ। मुझे यहाँ इस जगह पर मुझे 7 महीने हुए, 7 से 8 महीने हुए इस जगह पे, 7 से 8 महीने हो गए जी। वैसे मुझे 1.5 साल हो गए काम करते हुए, घूम फिर के मैं काफ़ी जगह गई हूँ, जैसे अलमान बोले, अलमान गई हूँ, पटेल सिविक सेंटर गई हूँ, पटेल पारा गई हूँ, मच्छी बाजार, गुरु मंदिर, काफ़ी घूम के काफ़ी लोगों ने मुझे तकलीफें परेशान किया, खड़ा नहीं होने दिया, मैं करती रही, हिम्मत नहीं हारी हूँ, अभी भी यहाँ पर खड़ी हूँ। यहाँ पर मुझे अभी तकरीबन 8 महीने हो गए हैं, इतनी भी मुश्किल थी, लेकिन अब 1 महीने से मुझे काफ़ी कम है मुश्किल। कोई तंग कर रहे हैं आपको? यहाँ पर मुझे तंग करते थे, जैसे कचरा फेंकना मेरे ऊपर, मेरी जगह यहाँ पर, यहाँ खड़ी हूँ, वहाँ पर कचरा फेंक देते कि यहाँ पर लांटी लगा में नहीं, उससे पैसे मांगना, पैसे दो। अगर एक मैं औरत हो के काम कर सकती हूँ, बच्चों का पेट पाल सकती हूँ, तो एक मर्द को भी है कि वो करे, उससे पैसे क्यों मांग रहे हैं? उनको शर्म नहीं आती उनके घर चलाने के लिए जो मैं पैसे दूँ? ये तो गलत बात हो गई ना, औरत को काम करते हुए देख नहीं सकते हैं, फिर बातें भी बनाते हैं औरत के ऊपर, ये तो गलत बात है। पैसे भी मांगते हैं, मैंने पैसा देना बंद किया तो मुझे तंग करना शुरू कर दिया, कचरा फेंकना, यहाँ बैठी होती हूँ, खाना खाती हूँ, ऊपर से कचरा फेंकती हूँ। मैंने वो तक बर्दाश्त किया, फिर मैं उसको काफ़ी बर्दाश्त करने के बाद मैं उसको लेकर गई, नहीं हुआ, मैं इसको थाने लेकर गई थी, फिर पुलिस वालों ने मुझे काफ़ी थोड़ी हेल्प करी, तो उसके बाद से मुझे तंग नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे आप कौन कौन से वैरायटी के जिंगर बना रहे हो? मैं आपको जिंगर दे, जूनियर जिंगर दे रही हूँ, 120 का, 180 वाला भी जिंगर है मेरे पास, मेरे पास चिकन बर्गर भी है, क्लब सैंडविच भी है, पिज़्ज़ा फ्राइज भी है, ठीक है। और मैं ये कहूँगी, देखो मुझे या मैं खड़ी हूँ ना औरत को एक काम करते हुए देखते हुए, मर्दों को भी कहूँगी, देखो मैं सबका नाम नहीं लूँगी, शायद मर्द अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, औरतें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगी, ठीक है। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलो, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अगर आजकल दौर ऐसा है कि माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सब अपने मियाँ के साथ काम करती हैं, अगर वो मजबूर है तो मैं भी मजबूर हूँ, फिर क्यों मजबूर बोला जा रहा है मुझे? अगर मैं अपने शोर का साथ दे रही हूँ तो मजबूर तो नहीं हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं ये समझ रही हूँ कि मैंने हाथ नहीं फैला रही किसी के आगे, मेहनत कर रही हूँ, तरीका अलग है, ऑफिस में बैठ के नहीं कर रही, बाहर खड़ी होकर अपनी मेहनत कर रही हूँ, अपना काम चला रही हूँ, किसी से मांग नहीं रही, मेहनत कर रही हूँ, मुश्किल आते हैं, कभी मेरे को कम पैसे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, लेकिन हिम्मत नहीं हारती, कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, और मैं करती रहूँगी जब तक मेरे में हिम्मत। मैडम जी, ये काम आप कब से स्टार्ट किया और किस वजह से, क्या वजह हो गया कि आपने ये बनाना, जिंगर बनाना स्टार्ट कर दिया? क्या मुश्किल आता है थे आपके पास? ये कोरोना की वजह से तो काफ़ी मुश्किल थी, मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा बैक प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है ना, तो मेरे हस्बैंड ने शेफ का कोर्स किया हुआ है, लेकिन वो नौकरी नहीं कर सके, अपना काम पहले गए, गाड़ी के अंदर अपना ही काम करते थे, पानी का काम करते थे, तो बैक की प्रॉब्लम की वजह से पानी का काम नहीं कर सकते थे ना, बहुत मसला, दर्द होता था उनको, बैक प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द होता, डॉक्टर ने मना किया, बोतलें नहीं उठाओ, तो हमने बाहर निकले तो रेंट तो नहीं, गाड़ियों का, दुकानों का रेंट तो नहीं दे सकती थी, बहुत महंगी है दुकानें, तो उनका आइडिया था हम इसी पे ना, इसी के अंदर हम शुरू करते अपने, है ना, चलो हम बाहर दुकान नहीं ले सकते तो अब अपनी गाड़ी को बना, रेस्टोरेंट बना लेते हैं, तो हम इससे रेस्टोरेंट बना के बाहर निकले बच्चों के लिए, अपने लिए। कोई ऑफर आया है कि आप कोई, आपके लिए कोई दुकान का बंदोबस्त करें? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं आया, कोई हेल्प के लिए भी नहीं बोला, किसी को भी नहीं आया। अच्छा मैडम, ये क्वालिटी के हवाले से बता देना, ये जिंगर क्वालिटी के हवाले से, अगर क्वालिटी के हवाले से पूछोगे तो चिकन हम बिल्कुल साफ सुथरी होती है, बहुत अच्छी होती है, और मैं फ्रेश लेती हूँ चिकन, ठीक है, खुद ही मेरे हस्बैंड जाते हैं दुकान से, खुद ही कटवा के लाते हैं साथ में, ठीक है, फ्रेश होती है, और बिल्कुल मैं फ्रेश इस्तेमाल करती हूँ, रखा हुआ नहीं होता चिकन मेरा, हमारी मायोनीज, केचप, जो भी आप चिली सॉस बोल, जो भी बोले ना, बिल्कुल फ्रेश अच्छी क्वालिटी का होता है, 2 नंबर इस्तेमाल नहीं करती, आए मेरे पास खाएँ और मुझे बताएँ किस तरह है, तो मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करती, आप खाएँगे, आएँगे, बताएँगे तो मुझे बता चलेंगे किस तरह बने, अच्छा लगा नहीं लगा ये आप खा के बताएँ, ठीक है। मैं बड़े प्यार से, मेरे हस्बैंड और मैं बड़े प्यार से दिल से हम बनाते हैं कि हमारे सबको पसंद है, ठीक है। अच्छा मैडम, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे KMC वाले या पुलिस वाले कोई तंग तो नहीं करते आपको? नहीं, पुलिस वाले, यहाँ सोदे वाली पुलिस काफ़ी हेल्प करती है मेरी, मेरी वीडियो वायरल हुई है तो मुझे तंग नहीं करती पुलिस, पुलिस नहीं तंग करती, सोदे वाली पुलिस नहीं तंग करती। अच्छा,
थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इंटरव्यू दिया है। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इधर खड़े रहे घंटा मेरे पास, कस्टमर थे, थोड़ा सा मैं आपको टाइम नहीं दे पाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, यहाँ पे एक फैमिली बर्गर वगैरह खा लिया और जो है ना, मैं पूछता हूँ उनको कैसा लग गया ये बर्गर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब जी? ये बर्गर खाने आए थे आप लोग? जी, हम फैमिली के साथ आए थे, हम बर्गर खाने, माशाल्लाह बहुत इंजॉय करा और बिल्कुल पैसे भी मुनासिब हैं और चीज़ माशाल्लाह ऐसी है, घर की बनी हुई, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी, बच्चों ने माशाल्लाह बहुत इंजॉय करा यहाँ पे आके, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, हर चीज़ माशाल्लाह से। ये फर्स्ट टाइम आए हैं आप लोग? नहीं, हम फर्स्ट टाइम आए, इनके देखे थे नेट पे ब्लॉग्स वगैरह, तो उसको देख के फिर इनको फॉलो करा तो यहाँ पहुँचे। टी वी वगैरह में देखा है आप लोगों ने? मोबाइल में देखा था इनके, माशाल्लाह काफ़ी ब्लॉग्स में इनको दिखाया गया था। अच्छा जी, वहाँ से देखा था, इस वजह से आप लोग यहाँ पे? जी, तो हम लोग यहाँ ट्राई करने आए थे। बहुत अच्छा लग गया आप लोगों को? बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी, हमने सिंगर ट्राई करा, बहुत अच्छा था सिंगर। और अंकल से पूछते हैं, थोड़ी सी बेबी है इससे मैं पूछता हूँ, आपने क्या खाया? आपने सिंगर बर्गर खाए? आपने खाए? अरे फ्रेंच फ्राइज खाए, कैसे लगे आपको फ्रेंच फ्राइज? बहुत अच्छे लगे इनको, इन्होंने बहुत इंजॉय करा आज। थैंक यू भाई, इनको बहुत अच्छा लग गया आंटी की जिंगर बर्गर, और ये जो है ना फर्स्ट टाइम आए उनको बहुत अच्छा लग गया, बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम भी आएंगे और खा के जाएंगे, बहुत अच्छा लग गया इन लोगों को। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलो मैं उनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक भाई। आप लोग जिंगर बर्गर खाने आए? जी। आंटी फेमस हुआ है आजकल सोशल मीडिया में। बहुत अच्छा बर्गर है, आप भी खाने आओ, बड़ा नाइस बर्गर है ये जो लगाया है, पूरा सेटअप बहुत अच्छा बर्गर है, खाने में बहुत मजा आएगा, आज खाओ बिस्मिल्लाह। आप भी माशाल्लाह बहुत मजा, अच्छा बर्गर है, आप भी माशाल्लाह, हम सब खा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा टेस्ट, अच्छा बर्गर टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, बड़े रेस्टोरेंट से कम नहीं है इसका। हाँ बहुत अच्छा, इसको प्रमोट करना चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। प्राइस के लिहाज से कैसा लग रहा है? प्राइस के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से, मतलब सफाई के लिहाज से, हर चीज़ के हिसाब से। हाँ भाई, आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं यार भैया, अभी तो खाना शुरू कर रहे हैं, टेस्ट कैसा लग रहा है? इनका फर्स्ट टाइम है, हमारा सेकंड टाइम है। आप लोग कौन सा वाला जिंगर खा रहे हैं? ये जिंगर चीज बर्गर, जिंगर चीज बर्गर जो इस आंटी का ना स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छा बर्गर है, आप भी खाओ और सबको भी खाओ। ओके भाई, मैंने भी खाने आया हूँ, मैंने भी YouTube Facebook में देखा आंटी को वीडियो में, तो इसलिए जो है ना ये टेस्ट करने आया हूँ। जितनी भी ऑडियंस आती है ना YouTube Facebook से यार, टेस्ट करने आती है, हम दूसरी बार है तो आप समझ लो कैसा होगा। ओए जबरदस्त, बहुत अच्छा है, आप भी खाओ, सबको खिलाओ, साहब दीन के व्लॉग को सब्सक्राइब। इनका व्लॉग माशाल्लाह बहुत अच्छा है और इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा काम कर। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अभी आंटी का दिखा देते हैं, आंटी यहाँ पे काम कर रहे, बहुत बिजी है, सही है। क्या कहूँ, सिंगर अच्छा है, आंटी बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा, और क्या कहोगे, कितने का एक सिंगर है? 120 रुपए में इतना पेट भरता है? हाँ थैंक यू। हाँ भाई, यहाँ पे क्या क्या करने आए हो? जिंगर बर्गर में अच्छा है ये, टेस्टी है, मज़ा आ रहा है। हाँ अच्छा, हाँ हाँ भाई, आप हर रोज आते जिंगर बर्गर लेते इधर से। अच्छा, मज़ा आ रहा है, टेस्टी है, बहुत थैंक यू भाई।